स्टेप उठाया आपने यहाँ तक आने के लिए? आपका मैरिज, छोटी डॉटर भी है, उसके बाद कैसा डिसीजन लिया, किस तरीके से हिम्मत आई कि हाँ यार मुझे अब करना है, ये बहुत हो गया? मेरे पेरेंट्स ने ये कहा कि पहले जॉब के लिए कहीं पे करो, इन सब चीज़ों पे कुछ नहीं रखा है, तो उन्होंने मना कर दिया था, तो फिर मैंने उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं किया। जब मेरी शादी होगी तो मैंने अपने हस्बैंड से बस मैंने एक बार बोला, तो उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया है, मेरे इन लॉज ने, मेरे मदर इन लॉ ने, सब ने सपोर्ट किया कि अगर तुम्हारा ड्रीम है तो यू कैन गो। भाटी जी मुझे बताइए, आप अपनी जैसी वीमेंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से शादी के बाद भी अपनी लाइफ को, अपने सपनों को पूरा कर सकती है? अगर उन्होंने कोई सपना देखा है, अगर उनके अंदर हिम्मत है, तो वो सब कुछ कर सकती हैं। लक्ष्मी 2024 की सिल्वर कैटेगरी के कंटेस्टेंट्स हैं भारती जी। भारती जी मैं आपको संतूर मॉम बोलूंगी, आप बिल्कुल संतूर मॉम लग रहे हो। गृहलक्ष्मी में आप आए हो, कैसे एक्सपीरियंस है अभी तक का? दो दिन आप बिता चुके हो, दो दिन में आपने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी, बहुत फेसेस देखे होंगे, तो कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर माहौल भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप करने को मिली, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा एंजॉय कर। तो बनी कोई दोस्त अभी तक या नहीं? हाँ, साथ जितनी भी हैं सबसे बात हुई है, सबसे फ्रेंडशिप है, सबसे मजे कर रही हूँ। तो आपकी कैटेगरी में जो आ रही हैं अदर वुमेन कंटेस्टेंट्स हैं, तो आपको लग रहा है कि आपके स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर कौन है अभी तक? हाँ, अभी तक जो मुझे लग रही हैं वो वत्सला जोसेफ लग रही हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी अच्छा कर रही हैं वो। बिल्कुल, तो एक स्टेप उठाया आपने यहाँ तक आने के लिए, आपका मैरिज, इवन आपकी एक छोटी डॉटर भी है, उसके बाद कैसा डिसीजन लिया, किस तरीके से हिम्मत आई कि हाँ यार मुझे अब करना है, ये बहुत हो गया? ये अभी का नहीं है, काफ़ी पहले का है, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब से था कि मैं मिस इंडिया के लिए पार्टिसिपेट करूं, बट मैं इतनी अच्छी फैमिली, घर है वो कानपुर से है, तो मेरे पेरेंट्स ने ये कहा कि पहले जॉब के लिए कहीं पे करो, इन सब चीज़ों पे कुछ नहीं रखा है, तो उन्होंने मना कर दिया था, तो फिर मैंने उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं किया। जब मेरी शादी होगी तो मैंने अपने हस्बैंड से बस मैंने एक बार बोला, तो उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया है, मेरे इन लॉज ने, मेरे मदर इन लॉ ने, सब ने सपोर्ट किया कि अगर तुम्हारा ड्रीम है तो यू कैन गो। जब पेरेंट्स ने सपनों को इतना लाइटली लिया, लेकिन हस्बैंड ने उसको सीरियस लिया, और उसका रिजल्ट ये कि आप इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्टेज पे खड़े हो के कैसा कोई फियर, स्टेज फियर या कुछ, या कॉन्फिडेंट फील किया आपने? मैंने कॉन्फिडेंस फील किया है, बहुत अच्छी बात है, ये मेरा ड्रीम था तो पूरा करने को मिल रहा है, तो उसके लिए अच्छा लग रहा था। तो आपने कैसे सोचा कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, या कुछ भी है कि मैं कहाँ खुद को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो आपके मन में गृहलक्ष्मी सबसे पहले कैसे आया? पहले तो मिसेस इंडिया का था, बट ये है कि मैंने इसे इंस्टाग्राम पे मैं देख रही थी, तो मैंने देखा तो इनकी मैगजीन में पहले पढ़ती थी, हाँ, तो उससे मुझे लगा कि मैं इनको जानती हूँ, ये मैगजीन मैंने पढ़ी हुई, तो उससे फिर मुझे लगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे जाऊँगी तो मेरे लिए सेफ रहेगा। खुद को कैसे प्रिपेयर किया मेंटली, फिजिकली, कि हाँ मुझे वहाँ खुद को रिप्रेजेंट करना है, तो हर तरीके से उनका बेस्ट देना है, उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन की? मैंने इनके यूट्यूब चैनल पे जाके देखा, इंस्टा पे जाके देखा कि किस तरह से क्या करना है, किस तरह से हम वॉक करते हैं, कैसे वॉक करते हैं, और मेरा जो फील्ड भी है वो भी इसी में, मेरा भी यूट्यूब पे चैनल है, तो मैं भी कंटेंट क्रिएट करती हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे पता था कि कैसे क्या करना है, तो वैसे ही किया। खुद में कितना जुनून था कि मुझे, मेरा ये ड्रीम है, चाहे शादी से पहले हो, शादी से बाद हो, मुझे पूरा करना ही था, तो कितना जुनून था आपके? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं जो सोचती हूँ कि करना है करना है, तो अगर वो मिल रहा है करने को, तो उसने तो पूरी हिम्मत कर सकती हूँ। तो खुद पर कितना बिलीव हो रहा है कि हाँ मैं जीत जाऊँगी, मुझे जीतना है, मैं जीत कर जाऊँगी, कैसे भी जाना है, कितना बिलीव है खुद में? अभी ऐसे तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ पूरा कोशिश है कि करूँगी। फैमिली का कितना सपोर्ट था इस चीज़ में? फैमिली का फुल सपोर्ट, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही रेयर होता है कि फैमिली को पूरा सभी का सपोर्ट मिलना। भाटी जी मुझे बताइए, आप अपनी जैसी वीमेंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से शादी के बाद भी अपनी लाइफ को, अपने सपनों को पूरा कर सकती है? अगर उन्होंने कोई सपना देखा है, अगर उनके अंदर हिम्मत है, तो वो सब कुछ कर सकती हैं, बस जब अगर आपने हिम्मत रखी है ना, तो आपका रास्ता ऑटोमेटिक निकल आएगा, तो हिम्मत बस रखिए, सब कुछ कर सकते हैं। लाइफ का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट, सबसे प्यारा कॉम्प्लीमेंट क्या था?
ये मत कहिएगा आपके हस्बैंड ने दिया था, मुझे उनसे हटके चाहिए कुछ। मेरी बेटी मेरे हाथ में आई थी डिलीवरी के बाद, वो जब मैं माँ बनी तो वो मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट, मुझे लगता है हर महिला के लिए एक ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जो किसी भी कॉम्प्लीमेंट को भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आप इन सब चीज़ों के बीच में फैमिली है, बच्ची भी है, अभी वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, इस बीच में हर किसी को होता है, बच्चे जब होते हैं छोटे होते हैं थोड़ा इरिटेट भी होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, तो इस चीज़ में आप खुद को पॉजिटिव कैसे देखती हैं, काम डाउन रखना, क्या चीज़ें भारी नहीं लगनी चाहिए? मैं डेली सुबह मॉर्निंग में योगा और मेडिटेशन जरूर करती हूँ, उसके ज़रिए मेरा माइंड थोड़ा सा फ्रेश रहता है और मैं हर चीज़ को अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके।